हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर दो स्वस्तिक बना लो या दो हल्दी कुंकू की बिंदी रख लो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो दो बिंदी का होना जरूरी है। जो एक रुपए कमाते हैं सवा रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है, जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर दो स्वस्तिक बनाए जाते हैं या दो बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी ने देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या साथिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवाल पर सिंदूर से लिख दिया, दीवाल पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका, उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, चार पांच दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने भी कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे, इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे। ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे, बोलो सही है कि गलत है। श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवाल पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज चतुर्थी छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवाल पर बनाती थी, अष्टमी नवमी लोग पूजते थे तो दीवाल पर बनाकर पूजते थे। कारण क्या था, क्यों बनाते थे दीपा दीवाल के ऊपर, क्यों बनाते थे, क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेट कर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी, उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे, भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे। दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही है, फ्रेंड हो तुम तो बना बनाया ले आएंगे, कागज आजकल भले बनाए जाते हैं, जो जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं, मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं, कुछ नहीं उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था, आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल प्रेम प्रेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए।
अंग्रेजी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत कर। निवेदन, सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है, वो श्रेष्ठ है। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजे बाबा रहे सो क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं, ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। एक रुपया कमाओगे सवा रुपया खर्च हो, और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना, जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण मंडन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण मंडन महाराज। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है महाराज। कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विशारा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज टीका दिया, जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का
मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, देखो प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना जरूर। करके देखो एक बार, गणेश पुराण का, शिव महापुराण का यह प्रसंग करिए, जीवन में उतारिए। चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान, आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्पररी है, 10 दिन के लिए कर दिया, फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहां ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है, सदा आराधना। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है, 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर, हो मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर देखिए शिव स्मरण, भगवान गणेश शिव। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो गले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो, तो संपदा देने में कमी नहीं रखी, अपार संपदा। शिव पुराण कहती है, चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरताली का तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो, आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रही, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में दो स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का एक कुंकू का। और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब दो घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर दो बिंदी, जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवाल हो तो एक हल्दी की एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें, तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि है, बहुएं हमारे घर में रह जाए, भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है, रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं, अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है। हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सुंड के गणेश, एक लेफ्ट सुंड के गणेश। राइट सुंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सुंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सुंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सुंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं, इसलिए घर में सीधी सुंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सुंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहां कहा दिया, यहां कहा दिया, अब रखे रखे रहने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों, बहनों, आशा करती हूँ सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी ने बताया है कि जब भी गणपति जी की स्थापना करना होता है तो हमें किस डायरेक्शन में गणपति जी लाने होते हैं और स्वास्तिक किस जगह बनाने होते हैं, जो दो बिंदियाँ लगानी होती है, रिद्धि और सिद्धि की जो बिंदियाँ होती है वो हमें किस जगह पे लगानी होती है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से स्वामी जी ने समझाया है। तो आशा करती हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।